वादम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। सूरत में इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़ी एक युवती को एक मकान मालिक ने 2-3 दिन के लिए बेरहमी से पीट दिया। यह घटना सामने आई। पीड़ित मुंबई की रहने वाली है और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने का कारण काफी समय से सूरत में रहने। किराए के विवाद में एक व्यक्ति ने युवती का हाथ पकड़ लिया, जबकि मकान मालिक ने युवती के बाल पकड़ लिया और उसे बेरहमी से लात ठोकी। पीड़ित ने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मकान खाली करने को कहकर उसके साथ बात की। इसके अलावा घर के मालिक ने सारा जौहर से उसे कपड़े उतारकर वीडियो बनाया और चप्पू से मारने की धमकी दी। यह घटना में लड़की घायल हो गई, इलाज के लिए सिविल ले गया गया। लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस तरह से हौसले यदि लोगों की बुलंद होते रहेंगे महिलाओं के साथ मारपीट करने और उन्हें परेशान करने का, तो सूरत एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर लोग अपराध के नाम से डरने लगेंगे, जिस तरह से पहले मुंबई और अन्य शहर हुआ करते। रूम पे आके एक दो आदमी मिलके मुझे बहुत मारे, मेरे को पकड़ के। मैंने उनको नहीं मारा, मैंने उनको गाली भी नहीं दिया। वो लोग आए सामने से, बोले रूम खाली करो। तो हम लोग ने बोला ठीक है अंकल, शाम की ट्रेन है, हम लोग चले जाएंगे। तो बोलता है नहीं, बहुत गंदी गंदी गाली देके बोलता है कि अब्बी के अब्बी खाली करो, तुम लोग का अफजल भाई ने इतना भाड़ा वो करके रखा है, ये करके रखा है। हमें नहीं पता था कि भाड़ा बाकी है। बाद में हम लोग ने बोला कि हम लोग ब्रश करके जा रहे, उतने में आगे हम लोग को गंदी गंदी गाली देके पकड़ के खींच के एक चावट बजाया। तो मैंने भी उसको बोला उल्टा सीधा, तो उसने मुझे पकड़ के मुझे बहुत मारा। तो मैंने उसके हाथ पे काट लिया, तो उन लोग ने मिल के मुझे बहुत मारा। फिर उसकी बीवी को, उसकी माँ को, सबको बोला के मुझे मारा रोड पे मिल के उन लोग ने। क्यों हुआ
आपको इतना टॉर्चर किया गया? पता नहीं उनको क्या था, हम मैं उनको जानती भी नहीं। हम लोग तो रूम पे खाली वहाँ पे काम करते, हम लोग हर 3 साल से काम कर रहे, आते जाते हम लोग वहाँ पे, तो भी उन्होंने मारा मिलके, अकेले भी नहीं मारा, चाकू निकाल के मेरे को मारे उन लोग ने, मेरा सर फिर सब फोड़ दिया। मुझे बोलते हैं कि तुम लोग पे केस करूंगा, मैं बोली किस बात का केस करूंगी, मैं केस करूंगी, मेरे पास प्रूफ है कि तुम लोग ने मुझे मारा। बोलते हैं कि मेरे पास तोले का चेन का पर्ची घुमा दूंगा और तुम लोग पे बोलूंगा कि तुम लोग ने चोरी करके लेके गए, तुम लोग घर में घुस कर चोरी किया। हम लोग ने चाबी सामने से मांग के ताला खोला, हम लोग ने ताला तोड़ के घर में नहीं घुसे। उन लोग ने बोलते हैं कि तुम लोग ये धंधा करते हो, तुम लोग वो करते हो, ये करते हो, हम लोग मेहनत का कमाई खाते हैं इधर, किसी का हराम का कमाई नहीं खाते हम लोग। बहुत बुरा भला उसने रोड पे 4 पब्लिक के सामने मारा और 10 गालियां दे के गया, और बोलता है कि तूने मेरे को मारा, तूने मेरा आग फोड़ा। मैंने मारा बट मैंने खुद को बचाने मारा। मेरे को बोलता है मैं 20 चौरा पे तुझका नंगा कर दूंगा, तेरा नंगा करके वीडियो बनाऊंगा। उनका मकान था, उन्होंने भाड़े पे दिया था। हम लोग को नहीं पता था कि कितना साल कितना महीना भाड़ा बाकी है। और अभी मैंने जब भाई से बात किया, भाई ने बोला कि भाड़ा नहीं बाकी है, सिर्फ 10,000 रुपये बाकी है और कुछ बाकी नहीं। तो हम लोग को बोलता है तूने मेरा 1,00,000 रुपये लिया। मैंने बोला कब लिया? बोलता नहीं, तेरे भाई ने 1,00,000 रुपये बोलते, फ्री का तुम लोग खाते हो, फ्री का रहते हो तुम लोग, बोले लाइट पानी लाइट गैस सब फ्री का भरते। तो हम लोग को थोड़ी पता था, अगर स्टार्टिंग में हमको आंटी को भी बोलता ना कि चाबी मत देना तो हम लोग घर में जाते ही नहीं। हम लोग 3 साल से आते जाते चाबी सामने वाली आंटी को देते, उनसे ही लेते चाबी। आंटी अगर हम लोग को बोलती ना कि चाबी नहीं, उन्होंने मना किया, तो हम लोग घर में पैर ही नहीं रखते। कितने लोग रहते हैं और आपको घर से निकाल दिया गया है? हम लोग रहते बहुत सारी लड़कियां रहते हैं, पर कल से 8 तारीख से हमारा काम चालू हो रहा है, तो हम 3 लड़कियां पहले आए। तो उसने हम लोग को बोला कि तुम लोग धंधे करते हो, तुम्हारा भाई इधर बुला के तुमको धंधे करवाता, वो कब देखने आए कि हम लोग धंधे करते। देखते रहे स्टार न्यूज़ नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।